हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होम मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज फैमिली एक्सपेंडिचर, पारिवारिक व्यय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फैमिली इनकम कि पारिवारिक आय क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था पारिवारिक आय जो होती है वो एक निश्चित अवधि में मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं और संतुष्टि के रूप में एक परिवार को प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमको क्लियर हो गया कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम होती है और किस तरह से हम उस मुद्रा को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करते हैं। तो अब व्हाट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमने आय कमाई उसको हम अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च करेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, विभिन्न साधनों से जो परिवार को आय प्राप्त होती है उस आय को किन वस्तुओं पर, कैसे, कब व कितना व्यय किया जाए, यही पारिवारिक व्यय कहलाता है। दैट इज द इनकम विच द फैमिली गेट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस। कौन कौन से रिसोर्सेस है हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जैसे कि उसको सैलरी मिलती है, उसको कहीं से रेंट आ रहा है, उसको कहीं से मतलब उसको सेविंग की हुई है तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है, किसी को पेंशन मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, इस तरह से बहुत से तरीके हैं जिससे कि उसको इनकम होती है। तो जो विभिन्न साधनों से उसको जो आय प्राप्त होती है उस आय को कब कब उसको खर्च करना है, जब जरूरत हो कैसे खर्च करना है और उसको कितना खर्च करना है, यही पारिवारिक व्यय कहलाता है। यानी कि हाउ टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड एंड व्हेन टू स्पेंड, दिस इज कॉल्ड फैमिली एक्सपेंडिचर। और ये जो हम खर्च करते हैं ये किस पे करते हैं, हमारी आवश्यकताओं पर। मनुष्य जो है उसकी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, हम जो दिन भर हम पूरे दिन हमें कोई ना कोई चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो हमें भोजन करना पड़ता है, भोजन हमें रोज करना पड़ता है, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रोज दूध भी चाहिए। इसके अलावा हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का किराया या मेंटेनेंस होता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लाइट का बिल होता है, पानी का बिल होता है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। फिर हम देखें तो बच्चों की स्कूल की फीस होती है और अपना पेट्रोल का खर्चा होता है, कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं वहाँ का खर्चा होता है, या हम कोई भी घर के लिए वस्तु खरीद रहे हैं, टीवी खरीदा या हमने पर्दे नए बनवाए या हमारी मेट्स हैं उनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे खर्चे हमारे घर में होते हैं और जो हम आय कमाते हैं उसको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं, तो इसी को ही फैमिली एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आता है कि आय व्यय के प्रकार। व्यय जो है हम ये देखेंगे कि दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड दूसरा है सामाजिक व्यय यानी कि सोशल एक्सपेंडिचर। अब व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत जन यानी कि हमारा अपना व्यक्ति जो है अपने अपना आपके लिए जो खर्च करता है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत। ये हम कह सकते हैं कि दो प्रकार से वो खर्च करता है। व्यक्तिगत खर्चा जो होता है वो दो प्रकार से करता है, पहला है वर्तमान आवश्यकता यानी कि वो वॉन्ट्स दैट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम, जो अभी चल रही हैं उसके लिए जो खर्चा करता है, जैसे कि भोजन पे खर्चा हो गया, कपड़े पे खर्चा हो गया, घर पे हो गया, शिक्षा पे हो गया, जो अभी हम खर्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, वर्तमान पे किया हुआ खर्च जो कि हर व्यक्ति करता ही है, इसे हम टाल नहीं सकते। दूसरा है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जो खर्च होता है उसको वो बचत के रूप में रखता है, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, यानी कि मेरे को भविष्य में मेरे को कोई आवश्यकता होगी तो उस पर मुझे जो खर्च करना है। अब भविष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, जैसे कि किसी के घर जब बेटी पैदा होती है तो भविष्य में अब हमें क्या करना है, उसकी शादी करनी है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दहेज प्रथा इंडिया में बहुत है, तो उसको डाउरी के लिए पैसे सेव करने हैं या उसको हायर स्टडीज़ के लिए पैसे सेव करने हैं, या फिर एक हस्बैंड वाइफ शादी होती है तो उनका उद्देश्य होता है कि हमारा अपना घर हो, तो भविष्य की आवश्यकता क्या है, उनको घर चाहिए, तो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वो पैसा बचाते हैं ताकि जब उनका पैसा इकट्ठा हो जाए तो वो एक अच्छा सा घर ले सके। तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तिगत खर्चा जो कि दो रूप में होता है, वर्तमान और भविष्य। सेकंड एक्सपेंडिचर इज सोशल, सोशल यानी कि सामाजिक। ये किस दो प्रकार का होता है हम कह सकते हैं, एक तो है अनैतिक व्यय यानी कि अनवांटेड, ये व्यय हमारी इच्छा ना हो तो भी हमें करना पड़ता है। दैट मीन्स इसका हम सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टैक्स देना, हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते लेकिन हमें देना पड़ता है,
और एंड इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन टैक्स. हम इसको कह सकते हैं टैक्स जो है हम दो रूप में देते हैं, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपको मालूम है कि जो कि हमारे इनकम, इट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम. हमारे इनकम जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है हमारा डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स कर भी ज़्यादा कटता है. और इनडायरेक्ट कौन सा होता है कि जो हम ये कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को जो मार्केट से खरीद रहे हैं उन पे हम टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट, जिसकी हमें कई बार नॉलेज नहीं होती और वो उसके मूल्य में ही इंक्लूड हो जाती है और हम टैक्स दे रहे हैं. तो ये एक्सपेंडिचर जो होता है जिसके हमें हम चाहते भी नहीं है, मतलब फिर भी हमें देना ही है बिकॉज इट्स कंपल्सरी और हमें कई बार इसकी नॉलेज भी नहीं होती और हम खरीदते समय टैक्स दे रहे हैं. सेकेंड है ऐच्छिक व्यय, यानी कि ये सामाजिक व्यय जो होता है हम अपनी इच्छा से करते हैं. जैसे कि कई लोग दान करते हैं, कोई एनजीओ उसमें दान करता है, कोई जैसे आजकल हम देख सकते हैं कोरोना की स्थिति है तो आपने देखा होगा बहुत लोग दान कर रहे हैं. कोई डॉक्टर्स के लिए कर रहा है, उनके नर्सिंग स्टाफ के लिए कर रहा है, कोई मास्क के लिए, कोई सैनिटाइजर्स के लिए, कोई पीपीई किट के लिए. तो इस तरह से लोग अपनी इच्छा से दान करते हैं. उसी तरह से आपने देखा होगा कि कोई अनाथ बच्चों के लिए दान करता है, और कई लोग जो हम कह सकते हैं कि स्कूल्स बनवाते हैं, धर्मशालाएँ बनवाते हैं, या कई लोग मंदिरों में भी दान करते हैं. तो ये एक सामाजिक ऐच्छिक व्यय है जो कि हम अपनी इच्छा से करते हैं. तो ये आपने देखा कि दो प्रकार के हमारे व्यय हो गए. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो व्यय है उसके दो मेन पार्ट्स हैं. एक तो है उपभोग और एक व्यय. अब व्हाट इज उपभोग? कंसम्पशन, यानी कि जो व्यय हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लिया, जो हमने खर्च कर लिया, उसको कहते हैं उपभोग. अब उपभोग में से जो बचा वो क्या हुआ, जो हमने खर्च करने के बाद जो बचा वो क्या हो गया, हमारी बचत. हमने उस पैसे को अपने भविष्य के लिए बचाया. ठीक है, तो ये दो भाग हो गए, उपभोग और व्यय. फिर आता है व्यय के, हम कह सकते हैं तीन भाग होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला है निश्चित व्यय, दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. सेकेंड अर्ध निश्चित व्यय, यानी कि सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. एंड थर्ड है अन्य व्यय, अदर एक्सपेंडिचर्स. अब क्या होता है, निश्चित व्यय कौन से होते हैं? निश्चित यानी कि जो फिक्स्ड है, आपको वो व्यय हर महीने करने ही पड़ते हैं. यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर फूड. आप रोटी, सब्जी, दूध, इस पे डेली एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है. मंथली हम राशन, हर महीने हमारा राशन आता ही है. इसके अलावा आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी शिक्षा का बिल, तो और हमारा पेट्रोल का बिल. हम इधर उधर जहाँ भी जाते हैं तो हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं, हम कपड़े खरीदते हैं. तो ये जो व्यय है हमारे फिक्स हैं. हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन आवर इकोनॉमिकल कंडीशन. अगर हमारी आय ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे, और आय कम होगी तो हम कम खर्च करेंगे. तो ये हमारे हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. सेकेंड आता है अर्ध निश्चित, यानी कि दीज आर हम सेमी फिक्स्ड. हम अपनी इच्छा अनुसार इनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और नहीं कर पाते तो कई बार नहीं भी करते. तो ये कौन से व्यय होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाले. यानी कि आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने व्यय के अनुसार, आपकी आय कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप व्यय कर लीजिए. अगर आपकी आय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा व्यय करें, नहीं है आय तो आप नहीं भी करें. उसी तरह से मैरिज में खर्चा करना, या कोई भोजन करना, इस तरह से जो समाज में हम रहते हैं और रीति रिवाज निभाते हैं. तो अगर हमारे पास कई ऐसे हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम खर्च करेंगे और पैसा है तो नहीं खर्च करेंगे, तो ये फिक्स नहीं होता है. इट डिपेंड्स, कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई इसमें नहीं खर्च करना पसंद करता, और हम अपने आय के अनुसार इसमें व्यय करते हैं. थर्ड टाइप है अन्य व्यय. अन्य व्यय कौन से हो गए, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे लक्जरीज पे होते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास पैसा है, हमने अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली, अपने कंफर्ट्स पूरे कर लिए, तो अब हमारे पास तो भी हमारी आय ज़्यादा है तो हम इसको कहाँ खर्च करते हैं, विदेश यात्रा पे. हम अपने लिए गहने खरीदते हैं, अच्छा घर बनवाते हैं. तो इस तरह से जो ये खर्चे होते हैं वो हम उनको कहते हैं अन्य व्यय. दैट इज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों के एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते जाते हैं. और ये इट डिपेंड्स, किसी को जिस चीज़ का शौक होता है वो उस पर व्यय करता है. कोई अपने गहनों पे करता है, कोई अपने बिल्डिंग्स खरीदता है, कोई अपनी नई गाड़ियाँ खरीदता है. तो सबके शौक अलग होते हैं, रुचियाँ अलग होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग व्यय करते हैं. तो ये हो गया हमारा पारिवारिक व्यय. इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे, वो है उपभोक्ता के अधिकार.
बाजार में उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, कि क्या आप समझते हैं कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसका बाजार में प्रभुत्व है। इज देयर कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि इसको सिंपल शब्द में कहेंगे कि आज के बाजार में किसका राज है, उपभोक्ता का या उत्पादक का। ठीक है, क्या कंज्यूमर किंग है मार्केट में? तो हम इसमें कह सकते हैं कि लोगों के अलग अलग इसमें विचार हैं, लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो है उसके ऊपर देश की समृद्धि निर्भर करती है। हम जितना अधिक व्यय करेंगे, हम व्यय करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपने चीजों की डिमांड बढ़े, अब चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा श्रमिक और ज्यादा कारीगर काम करेंगे तो उन सबको पैसा मिला क्योंकि रोजगार उनको किया तो उनका लेवल भी बढ़ा। अब हमने उन चीजों को खरीदा, अब हमने चीज खरीदा तो हमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया और अब क्या होगा कि अब हम हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी तो हम अपनी आय बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक निरंतर चलने वाली क्रिया है आय जो है, किस तरह से हम कमाते हैं और खर्च करते हैं और फिर कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं, इस तरह से हमारा जो आय और व्यय है उस पे देश की हम कह सकते हैं वृद्धि होती है। जितनी हमारी आय अधिक होगी, जितना हम अधिक व्यय करेंगे, उससे बहुत से लोग रिलेटेड होते हैं और वो सब समृद्धि करेंगे और देश का विकास होगा। अब आता है क्वेश्चन कि क्या उपभोक्ता जो है वो जो चाहता है बाजार में वही होता है? तो हम ये कह सकते हैं हाँ, अगर उपभोक्ता को किसी चीज की डिमांड है, उसको ये चीज चाहिए, तो वो उस चीज की डिमांड करेगा और उत्पादक उस चीज को बनाएगा। और हम वो उत्पादक जो है, कई बार क्या होता है कि वो अपनी चीजों को बनाता है और उसको डिमांड क्रिएट करता है। कैसे डिमांड क्रिएट करता है, हमने देखा था कि विज्ञापन के द्वारा वो अपनी चीजों का इस तरह से प्रचार करता है कि उपभोक्ता उस चीज को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको अपनी आदत बनाकर अपनी आवश्यकता बना लेता है। तो दोनों का ही हम ये कह सकते हैं कंट्रोल है मार्केट में। उत्पादक चाहता है तो वो चीज उपभोक्ता से खरीदवाता है और उपभोक्ता जो है वो उसके बहुत उसके हाथ में, उसका मन होगा तो वस्तु खरीदेगा, नहीं होगा तो नहीं खरीदेगा। और उपभोक्ता जिस चीज की डिमांड करेगा, उत्पादक उस चीज को ही बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पारिवारिक व्यय, यानी कि किस तरह से हमारे फैमिली में इनकम आती है और किस तरह से हम उसको अपनी आवश्यकताओं में पूरा करते हैं। थैंक यू।